Good afternoon everyone. In today's video I am going to discuss about the next topic of inorganic chemistry, that is halite-type clusters. Actually ये topic थोड़ा सा lengthy है. आज सिर्फ हम इसका basic portion करेंगे कि halite-type clusters जो basic हमारे पास जो exam में बार बार पूछा जाता है उस cluster को पूरी तरह से explain करेंगे. उसके बाद जो बाकी की types हैं उन्हें हम second part में discuss करेंगे. Clear? सबसे पहले जब आपके पास हलाइट टाइप क्लस्टर्स, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बेसिकली हलाइट टाइप क्लस्टर्स कौन फॉर्म करते हैं, ऐसे मेटल एटम्स जिनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो. तो वो मेटल एटम्स कौन कौन से होंगे जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हो, प्लस टू प्लस थ्री वाले, और उनके पास या उनकी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी चल रही हो. तो हमारे पास, मैंने वहाँ पे भी जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था तब मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तब भी मैंने इसकी एग्जांपल कंसीडर की थी, रहीनियम 2Cl8. एग्जाम में ये क्लस्टर आपको बहुत पूछा जाता है. कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हलाइट टाइप क्लस्टर में से क्वेश्चन ना बनाओ, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग क्या है, एक्सेप्शनल है. सबसे पहले डाई न्यूक्लियर क्लस्टर को डिस्कस करते हैं, उसके बाद के जो फॉर्मेट है ट्राई न्यूक्लियर, हेक्सा न्यूक्लियर, टेट्रा न्यूक्लियर, वो हम लेटर ऑन वीडियो में डिस्कस करेंगे. द बेस्ट नोन दिस टाइप ऑफ क्लस्टर्स इज रहीनियम 2Xa टाइप, वेयर एक्स इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, आइसोथायोसाइनाइड एट्सेट्रा, इनमें से कोई सा भी हो सकता है. ज़्यादातर हमें रहीनियम 2Cl8 देखने को मिलता है. रहीनियम का ऑक्साइड लोगे, उसे मेटल के हलाइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको अपना डिजायर्ड कंपाउंड मिल जाएगा. अभी सबसे पहले इसकी बॉन्डिंग में इतना एक्सेप्शनल क्या है वो बात करते हैं. हमारे पास क्या है, हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि रहीनियम रहीनियम का जो डिस्टेंस है, नॉर्मल बॉन्ड लेंथ है, वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि साइज भी बड़ा हो रहा है ग्रुप का. लेकिन रादर वो बॉन्ड क्या है, शॉर्ट है. क्लियर? 224 पिकोमीटर का ही है, बहुत शॉर्ट है. तो इसका मतलब इसकी बॉन्डिंग में कुछ एक्सेप्शनल है जो हमने मिस किया, वो डिस्कस करते हैं. इनकी स्ट्रक्चर्स ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक होती हैं. यहाँ पे भी अगेन मैंने वो जो आपको अभी एक्सप्लेन किया था वो ड्रॉ करके रखा हुआ है, पिछली वीडियो में जब हमने डिस्कस किया था वो ये एक्सप्लेन किया, आप इसे क्लियर वे में भी कर सकते हो. यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे अराइज होगा. द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज 224 पिकोमीटर, हाउएवर वी एक्सपेक्ट दैट द डिस्टेंस इज 275 पिकोमीटर. हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि हमारा जो रहीनियम रहीनियम का बॉन्ड है वो 275 के पास होना चाहिए था बॉन्ड लेंथ जो उसकी, पर इस क्लस्टर की जो बॉन्ड लेंथ है वो 224 है, तो बॉन्ड हमारी एक्सपेक्टेशन से छोटा है. क्लियर? द एक्लिप्स कन्फिग्रेशन ऑफ रहीनियम 2Cl8 सीम्स टू बी रादर सरप्राइजिंग. जो हमारे पास इसकी जो स्ट्रक्चर है वो जो एक्लिप्स फॉर्म में है, यानी कि जो हमारा आगे के क्लोरीन्स हैं, ये वाले क्लोरीन्स ऐसे स्केयर की फॉर्म में है, उसके बिल्कुल पीछे आपको सेकंड क्लोरीन्स मिल रहा है. तो ज़्यादातर हम क्या स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि एटम्स एक दूसरे की अप्रोच नहीं करना चाहते डायरेक्टली. लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा जो इक्लिप्स फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है. क्लियर? द डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोरीन एटम्स इज 330 पिकोमीटर, विच इज लेस देन सम ऑफ द वंडर वॉल्स. Which is less than sum of van der Waals radii. It is suggested that staggered configuration of the molecule. The staggered configuration of the molecule is more stable than eclipsed. Cotton effect explained both these phenomena by involving quadruple bond. Cotton effect ने हमें explain किया कि यहाँ पर रहीनियम रहीनियम के बीच quadruple bond बनेगा. अभी quadruple bond कैसे बनता है, जब हमारे पास basic से structure, basic से formula करते हैं, जब भी आपके पास जैसे ये ओवरलैपिंग हुई, ये मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, यहाँ पर एक ही ओवरलैपिंग जोन बना, तो ये मेरा होता है सिग्मा बॉन्ड. अगर मेरी ओवरलैपिंग हुई साइड वाइज तो कितने ओवरलैपिंग जोन बने, साइड वाइज ओवरलैपिंग होने के बाद हमारे पास कितने ओवरलैपिंग जोन बनते हैं, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जा रही है, यहाँ पर एक जोन बना और एक जोन यहाँ पर बना, इसे क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड. अभी ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड कैसे बनेगा, ये स्पेशल में स्टार्ट कहाँ से होता है, डी ऑर्बिटल से होता है. डी ऑर्बिटल में ये एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है. तो यहाँ पे आप कैसे शो करोगे कि सपोज करो
सामने से यहाँ से आपने दो पेन जोड़े, ये चार ऑर्बिटल्स और दूसरी तरफ के भी चार ऑर्बिटल्स, ठीक है। जैसे ये ऊपर से बाइंड करेंगे चारों, तो यहाँ पर कितने ओवरलैपिंग जोन बनेंगे? अगर कॉपी पे समझाना हो तो ये काफ़ी मुश्किल है। यहाँ से आपने ये स्क्वायर एक परपेंडिकुलर लिया, एक स्क्वायर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर लेना। अब आप देखो ध्यान से, इस फिंगर के पैरलर यहाँ पे ओवरलैपिंग जोन, इस फिंगर के पैरलर यहाँ पे ओवरलैपिंग जोन, इस फिंगर के पैरलर यहाँ पे ओवरलैपिंग जोन। यानी कि कॉपी में हमें ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये दोनों पास में हैं तो इन्हीं का ओवरलैपिंग जोन होगा, एक्चुअल में चारों के बनेंगे, ऐसे हैं ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर कितने ओवरलैपिंग जोन बनेंगे? चार बनेंगे, दो ऊपर दो नीचे। तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बॉन्ड, जिसे क्वाड्रपल बॉन्ड बोला जाता है, डेल्टा बॉन्ड, क्लियर। तो यहाँ पर ये बॉन्डिंग आपके लिए न्यू थी। तो ये बॉन्डिंग ज़्यादातर किस ऑर्बिटल्स में देखने को मिलती है? डी एक्स वाई हो गया, डी एक्स स्क्वायर वाई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के ऑर्बिटल्स। ये चारों के चारों ऑर्बिटल्स आप ऐसे परपेंडिकुलर रखोगे तो आपको चार ओवरलैपिंग जोन मिलेंगे, जैसे ये आपको शो करने की कोशिश कर रहा है। इसने दो लोब्स एक साइन की ले ली, दो लोब्स एक साइन की, दो लोब्स एक साइन की, डी एक्स सेट के परपेंडिकुलर इसने ओवरलैपिंग करवाई, चार ओवरलैपिंग जोन, इसका ब्लैक के साथ, इसका ब्लैक के साथ, इसका वाइट के साथ, इसका वाइट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे चार ओवरलैपिंग जोन बनेंगे, तो वही एक्सप्लेन कर रहा है। अभी हम रहीनियम पे फिर से वापस आते हैं। रिहीनियम में देखो, आप सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को कैसे सॉल्व करोगे? मैंने बुक में से थोड़ा सा डिफरेंट किया है। रिहीनियम 2Cl8 लिया, आप क्या करोगे? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे 5d4। इसी तरह से आप उसकी डायग्राम ड्रॉ करोगे। डायग्राम में क्या, कैसे 5 ऑर्बिटल्स डी के शो किए, तो चार इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल कर दिए। सिमिलर कन्फिग्रेशन एक रिहीनियम का, फिर दूसरे का। अभी हमें पता है 8 क्लोरीन्स है, चार चार दोनों को बराबर के दे दिए, ठीक। उसके बाद रहीनियम, रहीनियम में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। वो सिग्मा बनाया, हमें पता है अगर पाई बॉन्ड ही हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं है तो उसके बाद वाला जो मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर होगा वो भी पाई हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्लोज कर दी। तो हमारे पास स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर ऐसे अपीयर हो रही है स्केयर प्लेनर की तरह। तो इसके लिगेंड्स कैसे अरेंज हुए? DSP2 फॉर्म में। ये बॉन्ड क्या बना है? DD का बॉन्ड, क्लियर। उसके बाद देखो, पाई बना, उसके बाद क्या बना? फिर से पाई बना सेकंड, फिर हमारे पास क्या बनेगा? डेल्टा बॉन्ड बनेगा, फोर्थ बॉन्ड। तो रहीनियम, रहीनियम में क्वाड्रपल बॉन्ड होगा। तो इस वे में उसकी स्ट्रक्चर शो करोगे। नेक्स्ट आपको दी गई है ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम में भी आप फिर से क्या शो करोगे? सिर्फ रहीनियम का पोर्शन शो किया हुआ है, तो आपने शो किया। बुक में ना थोड़ी सी गलतियों से करेक्ट कर लेना। फोर बॉन्ड्स हैं, सबसे पहले एक जुड़ के सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बना। फिर आपके पास हमने क्या बनाए थे? दो पाई बॉन्ड। फिर आपके पास बनेंगे दो पाई बॉन्ड्स। फिर उसके बाद आपके पास क्या बनेगा? एक डेल्टा बॉन्ड। तो आपने एक डेल्टा बॉन्ड शो कर दिया। अभी उसी वे में डेल्टा स्टार हो जाएगा, ये आपका पाई स्टार हो जाएगा, ये आपका सिग्मा स्टार हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है चार आठ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो हमें आठ ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, चार बॉन्डिंग के होंगे, चार एंटी बॉन्डिंग के। तो अभी आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहो तो आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन तो नीचे नीचे फिल हो गए, 8 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, माई एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं गया अभी, 0। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल गया है रिहीनियम का? 4, क्लियर। तो इससे भी हमें प्रूव हो गया कि रिहीनियम की जो रिहीनियम, रिहीनियम में बॉन्ड है वो क्वाड्रपल है रादर देन अदर। तो यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है हम एक बार वर्ड टू वर्ड रीड आउट कर लेते हैं। द जेड एक्सिस इज कंसिडर एज अ ज्वाइनिंग लाइन फॉर टू रिहीनियम एटम्स। तो जहाँ पे आप, मैं इसे ज्वाइन कर रही हूँ, जहाँ से मैंने ऐसे जोड़ा, तो ये जो मेरा पेन वाली एक्सिस है ये मेरी जेड एक्सिस है। ईच रिहीनियम एटम इज बॉन्डेड विद 4 क्लोरीन एटम्स, स्केयर प्लेनर है। तो DSP2 हमें पता है स्केयर प्लेनर की फॉर्म होती है। रिहीनियम DSP2 हाइब्रिडाइजेशन यूज DXk-Y² ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर टू अरेंज दैट क्लोरीन। यहाँ पर जो मैंने एक ऑर्बिटल यूज़ किया है, जो डी का क्लोरीन ने यूज़ किया है, वो कौन सा ऑर्बिटल वो बोल रहा है? DXk-Y². इसी वजह से हर रिहीनियम के अराउंड जो हमारे क्लोरीन है वो स्केयर प्लेनर की फॉर्म में है, राइट। उसके बाद आपके पास क्या आएगा? सेकंड ऑर्बिटल डायरेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू रिहीनियम एटम्स। फिर हमने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया दो रिहीनियम एटम्स के बीच।
डी एक्स सेट, हमारा जो डी जेड स्क्वेयर है वो हमें पता है कि जेड स्क्वेयर हमेशा सिग्मा बॉन्ड को लीड करता है, तो यहाँ पर जो अगर हमें ऑर्बिटल असाइन करने हो तो हम क्या बोलेंगे, डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद डी एक्स जेड होगा, डी वाई जेड होगा, ये बनाएंगे पाई बॉन्ड, उसके बाद जो बचा हुआ डी एक्स वाई है वो क्या बनाएगा, डेल्टा बॉन्ड। तो इस वे में हमारे डी की कन्फिग्रेशन असाइन होगी। तो यही उसने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की हुई हैं। यहाँ पे जो मैं बोल रही थी, आपने ये कन्फिग्रेशन, यहाँ पे आपके ना ये पोर्शन मिसिंग है कि उसने ऑर्बिटल डायग्राम्स के थ्रू, इसके थ्रू आपको नहीं समझाया कि एग्जैक्ट बॉन्डिंग कैसे हो रही है, और इससे आप करेक्ट करोगे। यहाँ पे पाए आएगा, सारा सिग्मा लिखा हुआ है, सिग्मा नहीं है, सिग्मा है, फिर दो पाई है, फिर डेल्टा है। सिमिलर वे में इसे करेक्ट कर लो। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग दिखाना वो ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है, फिर आप बॉन्ड ऑर्डर भी इजीली बोल सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आ रही है कि इसके रिहीनियम को उससे अलावा के जो कंपाउंड्स हैं रिहीनियम 2Cl8 के, वो जब एसिटिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करवाते हो तो हमें एसिटेट मिल जाता है, वो भी सिमिलर वे में ज्वाइन होगा। जैसे देखो, रिहीनियम से जैसे क्लोरीन जुड़ रहा था, अभी ऑक्सीजन है दोनों साइड पे, तो ऑक्सीजन के थ्रू बाइंड हो जाएगा। तो एसिटेट ग्रुप में दो ऑक्सीजन है, दोनों रिहीनियम को बाइंड कर लेंगे, ठीक। तो उस वे में आपने सिर्फ इसे शो करना है। एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में सिर्फ रिहीनियम 2Cl8 की ही पूछी जाएगी, उसकी ही डिटेल डिस्कशन आप करोगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स और है क्रोमियम का। क्रोमियम की कन्फिग्रेशन भी आप देखो, तो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैं यहाँ पे रफ पे कर देती हूँ, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, ठीक है। तो हमारे पास कन्फिग्रेशन इसकी होती है 3D5 4S1, 2 पॉजिटिव की वजह से 3D4 हो गया। अगेन सेम स्ट्रक्चर बनेगी, सेम आपके पास ऐसे बॉन्डिंग शो करोगे, सेम ही अरेंजमेंट दिखाना, फिर उसके बाद एसीटेट ग्रुप्स को अटैच कर देना। इसमें भी वो वही बोल रहा है कि क्रोमियम में भी अनसर्टेन, कॉपर में सिंगल बॉन्ड ही है, कॉपर में देखो एक्सपेक्ट से डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, हमने एक्सपेक्ट किया था 256 होएगा पर 264 है, यानी कि उसमें तो बॉन्ड क्वाड्रपल नहीं है। कॉपर में वैसे भी हो नहीं सकता, पेयर्ड है तो शेयरिंग पॉसिबल नहीं है, तो कॉपर तो ऐसी कन्फिग्रेशन शो नहीं करता, क्रोमियम करता है। तो क्रोमियम का 236 है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 249 के पास होगा, तो इसमें भी क्वाड्रपल बॉन्ड ही बनता है। तो सिमिलर वे में इसकी भी मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रही, आप सेम वे में इसको भी ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो एग्जामिनर आपको दो कॉम्प्लेक्सेस दे सकता है, या तो रिहीनियम का देगा या क्रोमियम का देगा, क्योंकि दोनों में ही क्वाड्रपल बॉन्ड बनते हैं, क्लियर। लेटर ऑन जो हमारे पास अलग इसके बाकी के क्लस्टर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो।